ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स के कुछ एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है यहाँ पे सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज बैकअप इज पॉसिबल इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, दैट इज ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन ए सर्वर। तो यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी क्लाइंट सर्वर मॉडल को देखते हैं, तो वहाँ पे जो भी डेटा, चाहे वो यूजर का डेटा हो या फिर किसी सर्वर का डेटा हो, तो जितने भी वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं या फिर रिसीव हो रहे हैं, सबके लिए एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना होता है। मीन्स जो सर्वर होगा वो सर्वर पूरे डेटा को अपने पास में स्टोर रखेगा, जो कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा वहीं पे डेटा स्टोर होता है। लाइक जैसे मान के चलिए, अगर हम लोग गूगल का कोई भी सर्विस को अगर देखें, जैसे लाइक मान के चलो गूगल या फिर यूट्यूब अगर हम लोग मान लेते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है कि अपना जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, उसको लोकेशन वाइज डिवाइड कर दिए। लाइक इंडिया का सर्वर अलग होता है, अमेरिका का सर्वर अलग होता है, यूरोप का सर्वर अलग होता है, सिंगापुर का सर्वर अलग होगा, सब जगह का सर्वर्स को उसने डिवाइड कर दिया है। तो इंडिया के जितने भी वीडियोस होंगे तो वो इंडिया के सर्वर पे स्टोर होते हैं। अब सर्वर अगर हम लोग बोले तो सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होगा, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होगा, और उस कंप्यूटर में मल्टीपल हार्ड डिस्क जुड़े होंगे। अब मल्टीपल हार्ड डिस्क को बोलते हैं हम लोग डेटा स्टोरेज, ठीक है, या फिर हम लोग उसको डेटा स्टोर बोलते हैं। डेटा स्टोर उससे कनेक्ट होगा और वहां पे पूरे के पूरे डेटा सेव होंगे, जितने भी यूजर्स ने अपलोड किया है, ठीक है, या फिर कोई सर्विस हम लोगों को सर्वर के थ्रू मिल रही है, उस एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही है, जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा उस डेटा स्टोर में सेव होगा। तो इससे फायदा क्या होता है हमारा? हमारा फायदा ये है कि हम लोग कोई भी सिस्टम से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग को डेटा वो मिल जाता है। अगर हम लोग कोई लोकल सिस्टम में स्टोर करके रखेंगे तो हम लोग उसको कहीं से भी एक्सेस करना चाहे तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज था सेंट्रलाइज। अगर डेटाबेस हम लोग सेंट्रलाइज कर लेंगे तो हम लोग कहीं से भी एक्सेस डेटा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सिक्योरिटी। दीज नेटवर्क्स आर मोर सिक्योर एज ऑल द शेयर्ड रिसोर्सेस आर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अब मान के चलिए कोई भी एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल यूजर्स लोग यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर एट ए टाइम लॉग इन होते हैं, शॉपिंग्स होती हैं, पेमेंट्स होते हैं, सब चीज़ होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। तो वहाँ पे उस एप्लीकेशन को सेंट्रली मैनेज किया जाता है और सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो सिक्योर होते हैं, यूजर्स के डेटा सिक्योर होते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो सिक्योर होते हैं, पेमेंट डिटेल्स हैं वो सिक्योर होते हैं। तो सबकी पूरी डेटा सिक्योरिटी, साथ में यूजर और कस्टमर की भी सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कोई, अगर मान के चलिए कोई फ्लिपकार्ट पे एक्सेस कर रहा है, अगर फ्लिपकार्ट की हेल्प लेके कोई यूजर के कंप्यूटर में अटैक ना कर दे, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सर्वर पे कोई अटैक ना कर दे वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और क्लाइंट सर्वर अगर मॉडल हम लोग बना रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग SSL से लगाते हैं या फिर हम लोग MD5 सिक्योरिटी लगाते हैं। तो इस टाइप की हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं और हम लोग अपने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को यूज करने का। थर्ड आता है परफॉर्मेंस। द यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, दिस इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है? हम लोग वहां पे यूज करते हैं डेडिकेटेड सर्वर। जो सर्वर होता है वो दो प्रकार का सर्वर होता है। एक सर्वर होता है शेयर्ड सर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड सर्वर होता है जिसको हम लोग डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। शेयर्ड सर्वर हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग किसी एक
सर्वर को हम लोग मल्टीपल डोमेन्स के साथ शेयर करते हैं या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ शेयर करते हैं। लाइक जैसे मान के चलो मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर वैसे ही सेम मैं फ्लिपकार्ट टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं कोई भी ई कॉमर्स का एक वेबसाइट बनाता हूँ और उसको हम लोग होस्ट कर देते हैं नॉर्मल, हम लोग सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला होस्टिंग ले लिए और उसको हम लोग होस्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर मान के चलो धीरे धीरे उसमें कस्टमर बढ़ रहे हैं, डेली वहाँ पे 500 लॉग इन हो रहा है, 1000 लॉग इन हो रहा है, 10,000 लॉग इन हो रहा है या फिर 50,000 लॉग इन हो रहा है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि वो रिसोर्स जो है उसको शेयर कर रहा है, डेटा शेयर कर रहा है, बैंडविड्थ को शेयर कर रहा है, ठीक है, वहाँ के जो बिट रेट है उसको शेयर कर रहा है, डेटा रेट है उसको शेयर कर रहा है, तो सारी चीजें उस सर्वर से शेयरिंग में चल रही है। मीन्स उस सर्वर की भी कोई ना कोई ऐसी स्पीड होगी जिस स्पीड से वो परफॉर्म कर पाएगा, उसके कोड को एग्जीक्यूशन करेगा, डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें परफॉर्म करेगा। तो अगर हम लोग वहाँ पे शेयर्ड सर्वर यूज करते हैं तो शेयर्ड सर्वर में परफॉर्मेंस हमेशा हम लोग को लो ही मिलती है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन एट ए टाइम चलते रहते हैं उस सर्वर पे और बहुत सारे यूजर्स भी वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या फिर हम लोग कोई ऐसा छोटा सा वेबसाइट बनाया है किसी कंपनीज के पास, वो जनरली स्लो खुलती है, तो यही रीजन होता है कि वहाँ पे हम लोग शेयर्ड सर्वर का यूज करते हैं। अगर वहीं पे हम लोग अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, गूगल, इस तरह के एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशन को अगर हम लोग हिट करते हैं और तुरंत खुल जाता है वो, ठीक है, वहां पे हम लोग को वेट नहीं करना पड़ता है कि वो, अगर हम लोग, वो डिपेंड करता है हम लोग के कनेक्शन की स्पीड पे, अगर हम लोग का नेटवर्क ही स्लो चल रहा है तो हम लोग वो फ्लिपकार्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे एक डेडिकेटेड सर्वर से वो अपने वेबसाइट को चला रहा है, वो हम अपने एप्लीकेशन को डेडिकेटेड सर्वर से चला रहा है, मतलब उस सर्वर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चल रहा है, वो फ्लिपकार्ट है, और वो उसी से ही सारा कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, पेमेंट्स को हैंडल करते हैं, सब चीज़ उसी से करते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन चलेगा, वो सर्वर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन के लिए ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। तो दो प्रकार के हमने सर्वर देखा, शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। तो अगर हम लोग यहाँ डेडिकेटेड सर्वर को यूज करते हैं तो हम लोग को स्पीड ऑफ शेयरिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है, रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते हैं उस कंप्यूटर में उसकी भी शेयरिंग बहुत अच्छे से मिल जाती है, डेटा सेव जल्दी जल्दी हो जाता है, हम लोग उससे डेटा एक्सेस बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर हम लोग डेडिकेटेड सर्वर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड सर्वर सेपरेटली, दैट इज द न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड और वी कैन ऐड ए न्यू नोड इन ए नेटवर्क एट एनी पॉइंट। तो स्केलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, हम लोग अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अगर हमने वहाँ पे एक सर्वर लगाया, हम लोग चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग 5 सर्वर लगा लिए, या फिर हम लोग अगर उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग अगर अभी 10 कंप्यूटर का यूज़ करें, वहाँ पे हम लोग 50 भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लाइंट्स और सर्वर को सेपरेटली वहाँ पे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, दोनों हमारे हाथ पे रहता है, तो हम लोग सेपरेटली दोनों को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब तो सर्वर भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्लाइंट्स को तो हम लोग बढ़ा ही सकते हैं या तो कम कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटी हम लोग को यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कुछ एडवांटेजेस, सेंट्रलाइज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सेम सर्वर मे कॉज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, अगर हम लोग शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, मतलब शेयर्ड सर्वर अगर हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन जो होता है 50% हमेशा होता है, 50% ट्रैफिक कंजेशन हमेशा दिखेगा हम लोग को अगर कोई भी वेबसाइट्स वगैरह ओपन कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई भी वेबसाइट को होस्ट करके रखें उस पर,
तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग डेडिकेटेड सर्वर लगा रहे, और डेडिकेटेड सर्वर काफ़ी कॉस्टली होता है। मीन्स वो हम लोग को अगर शेयर्ड सर्वर मिल जा रहा है 2-3 हज़ार पर ईयर में मिल जाता है, मतलब 2000-3000 पर ईयर में हम लोग को मिल जाता है, वहीं पे अगर हम लोग डेडिकेटेड सर्वर लगाते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख हम लोग को स्पेंड वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक कंजेशन से हम लोग वहाँ पे बच सकते हैं। तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, क्योंकि सर्वर हम लोग को बाहर से परचेज करना होता है और हम लोग को उसमें अपनी फाइल्स को शेयर करना होता है, जो भी वेबसाइट वगैरह बनाए हैं, जो भी डेटा हम लोग को शेयर करना है वो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो शेयर्ड सर्वर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस भी स्लो मिलती है, साथ में हम लोग को ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत मिलता है। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करते हैं तो ट्रैफिक कंजेशन कम मिलेगा और हम लोग को सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट हैव रोबस्टनेस ऑफ ए नेटवर्क, दैट इज व्हेन द सर्वर इज डाउन देन द क्लाइंट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेट। ठीक है, अगर मान के चलो जिससे भी हम लोग सर्वर लिए हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से शेयर्ड सर्वर लिए हैं, वो सर्वर डाउन है, मान के चलो वहाँ लाइट गोल हो गया, सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, या फिर कोई नेटवर्क में इशू आ गया, कोई डिवाइसेस वहाँ की खराब हो गई, तो उस प्रकार से वो सर्वर डाउन रहता है, तो उसको ऑल्टरनेट सर्वर पे शिफ्ट किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार का हम लोग को यहाँ पे इशू देखने मिलता है कि नेटवर्क में रोबस्टनेस नहीं होते। अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं की जाती है वहाँ पे, जो रिस्पॉन्स है वो उसको नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक यहाँ पे बिग प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज वेरी डिसेसिव, समटाइम्स रेगुलर कंप्यूटर हार्डवेयर डज नॉट सर्व ए सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, इन सच ए सिचुएशन स्पेसिफिक हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड एट सर्वर साइड टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो भी रेगुलर कंप्यूटर हार्डवेयर लगे रहता है, रेगुलर कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स क्या होता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वहाँ पे डला हुआ है, विंडोज या लाइनेक्स या रेड हैट, कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो हार्डवेयर जो है कैपेबल नहीं होता है इतने सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के, तो उस केस पे हम लोग को मल्टीपल सर्वर पे उसको डिवाइड करना होता है, अदर कंपैटिबल हार्डवेयर हम लोग को वहाँ लगाना होता है, ताकि हम लोग जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको हैंडल कर सके। तो ये सारा चीज़ हम लोग को सर्वर साइड पे करना होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक सिस्टम खरीद लिया और उसको हम लोग ने सर्वर बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वर जो होता है वो कोई भी अगर एक एप्लीकेशन है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, और एक एक सर्वर पे एक एक मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है और उससे सारा चीज़ें हैंडल होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स में हैंडल होगा, और वहाँ से मल्टीपल चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं अलग अलग जगह बैठ के। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सिस्टम का हार्डवेयर है वो भी कैपेबल होना चाहिए इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट आते हैं, समटाइम्स द रिसोर्सेज एग्जिट इन द सर्वर बट एग्जिस्ट इन द सर्वर बट मे नॉट एग्जिस्ट इन द क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल इफ द एप्लीकेशन इज वेब देन वी कैन नॉट टेक द प्रिंट आउट डायरेक्टली ऑन द प्रिंटर्स विदाउट टेकिंग आउट द प्रिंट व्यू विंडो ऑन द वेब। ठीक है, अगर मान के चलिए हम लोग के पास कोई डेटा है वो सर्वर पे शो हो रहा है लेकिन हमारे क्लाइंट सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग को प्रिंट आउट करना है, जैसे हम लोग दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिजल्ट डाउनलोड किए, रिजल्ट डाउनलोड किए या फिर वहाँ प्रिंट ऑप्शन होता है, प्रिंट ऑप्शन हम लोग वहाँ पे दिए, वो डायरेक्ट प्रिंट निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, वहाँ प्रिंट प्रीव्यू हमको नहीं दिखाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो एप्लीकेशन सर्वर पे चल रहा है और जो एप्लीकेशन क्लाइंट पे चल रहा है, दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, मीन्स फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत डिफर करती है, तो उसके कारण जो क्लाइंट को सर्विस मिलनी चाहिए वो पूरी पूरी नहीं मिल पाती है, तो ये भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का एक डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे चार प्रकार के हम लोग डिसएडवांटेज देखे, फर्स्ट है ट्रैफिक कंजेशन,
सेकंड है रोबस्टनेस, थर्ड है डेसिसिव, फोर्थ है द रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन द सर्वर बट मे नॉट एग्जिस्ट इन द क्लाइंट मशीन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ऑल्सो नोन एज वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा कलेक्शन होता है वेबसाइट्स का और वेब पेजेस का जो कि वेब सर्वर्स पे स्टोर होते हैं, और वो वेब सर्वर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं जो इंडिविजुअल यूजर्स जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक हमारा कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हम लोग वहाँ से जो वो वेबसाइट है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एक्सेट्रा। यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दीज साइट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग देयर डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेलफोन्स एक्सेट्रा। द WWW अलॉन्ग द इंटरनेट इनेबल्स द रिट्रीवल एंड डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया टू योर डिवाइसेस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, कंटेंट मीन्स वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेजेस हो सकता है, कंटेंट जो है हमारा वीडियोस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं आजकल, ठीक है, जैसे EPUB है, ठीक है, PDF फॉर्मेट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग कोई भी डिवाइसेस से। पहले के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर हुआ करता था, तो फाइल्स भी थी जो वो लिमिटेड फाइल्स थी। आज के ज़माने में जो फाइल्स हैं बहुत सारी एडिशनल फाइल्स भी आने लग गई है। जैसे अगर हम लोग डिवाइस के अकॉर्डिंग हम लोग चलें, ठीक है, तो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए उस वेबसाइट की अलग फाइल्स होंगी। ठीक है, अगर हम लोग कोई टैबलेट यूज़ करें तो उसके लिए अलग फाइल्स होती हैं, लैपटॉप यूज़ करें, कंप्यूटर यूज़ करें तो उसके लिए अलग फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो वो सारी फाइल्स जो है, ठीक है, वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप से वहाँ पे एक्सेस की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अगर उसमें हम लोग कोई भी एक वेबसाइट खोलते हैं, तो वो डिवाइस में वो वेबसाइट वैसे ही खुलेगी जैसे कंप्यूटर में खुलती है। वो भी फैसिलिटी हम लोग को मिलती है, हम लोग उसमें वीडियोस देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, बहुत सारी उसमें पेजेस को लिंक किया हुआ उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सब चीज़ हम लोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ से डेटा का रिट्रीवल हो रहा है और जो हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा है वो सारा चीज़ मैनेज करता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे लोकल कंप्यूटर्स, बहुत सारे डिवाइसेस उसमें कनेक्ट है। ठीक है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब इसीलिए बोला जाता है कि उसके अंदर का डेटा रिट्रीवल और जो भी वहाँ डिस्प्ले करता है डेटा उसको हम लोग वेल मैनेज कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड वेब में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हम लोग चला सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हम लोग रन कर सकते हैं, वेबसाइट्स हम लोग बना सकते हैं जो कि वेब सर्वर पे स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड सर्वर होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ कुछ एप्लीकेशंस को चलाते हैं। ठीक है, ये पूरे का कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसलिए बोला जाता है कि एक वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरा मकड़ी के जाल की तरह, इसलिए इसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जिसके अंदर पूरे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और सब चीज़ शेयर हो सकती है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेब आर द वेब पेजेस विच आर फॉर्मेटेड इन HTML एंड कनेक्टेड बाय लिंक्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर लिंक्स
एंड एक्सेस्ड बाई HTTP। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उसको हम लोग एक फॉर्मेट में हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग HTML फाइल्स बोलते हैं। अगर मान के चलो HTML फाइल्स नहीं होती तो हम लोग का इंटरनेट जो है जन्म लेता ही नहीं, क्योंकि हम लोग हर फाइल्स जो है वो HTML फॉर्मेट पे ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है हम लोग HTML के थ्रू ही हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। बिना HTML के इंटरनेट को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब HTML मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो हम लोग को एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट तक, एक टेक्स्ट से हम लोग दूसरे टेक्स्ट तक उसको जोड़ते हैं, एक इमेजेस से हम लोग दूसरे इमेज तक जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी वहाँ चीज़ें लिखी होती है सब के सब आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पे लिंक्स होते हैं, ठीक है, पेजेस के लिंक्स होते हैं, इस प्रकार से लिंक्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ और वो वहाँ हम लोगों को किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है तो उसको बोला जाता है हाइपर लिंक, ठीक है, और उस टेक्स्ट को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम लोग HTTP बोलते हैं, जिसको हम लोग HTTP बोलते हैं। दीज लिंक्स आर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन डेट लिंक रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर कैन एक्सेस द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली। हाइपर टेक्स्ट ऑफर्स द एडवांटेज टू सिलेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम टेक्स्ट एंड दस टू एक्सेस अदर पेजेस डेट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट वर्ड और फ्रेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो किसी वर्ड को या फिर जो फ्रेज होता है, फ्रेज मीन्स कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ है इस टाइप का, ठीक है, उस टाइप में हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और वैसे ही टाइप के टेक्स्ट से ही हम लोग को या तो उसको हाइपर टेक्स्ट बना देगा, या फिर हम लोग उस पैराग्राफ पे या फिर कुछ उस टाइप पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भी वहीं से मिलेगी। मीन्स हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग उसको हाइपर टेक्स्ट बना देते हैं। हाइपर टेक्स्ट से क्या होगा, हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को वहीं से मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे एक अंडरलाइन बना होता है और उसमें माउस लेके जाओ तो ऐसे हैंड का वहां पे सिंबल बन जाता है, कर्सर जो है हैंड का सिंबल बन जाता है। तो वो क्या है, लिंक है। मतलब हम लोग ने एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें कोई अगर इम्पोर्टेंट वर्ड है वहां पे तो उसका मीनिंग अगर वहां पे कहीं दिया होगा तो उसका वहां पे लिंक बना दिया जाता है, तो हम लोग वहां से जंप कर सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमको वहां से मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके हम लोग अपने जितने भी वेब पेजेस हैं, ठीक है, उसमें लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और उस लिंक से आपस में हम लोग वेब पेजेस को जोड़ते हैं और एक्सेस कर पाते हैं।